Hey guys, welcome and welcome back to my channel. My name is Niloufar and you're watching me on Fat to Fabulous. Hope you all are doing good and great. मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सबकी blessings हैं, सबके अच्छे अच्छे comments हैं, उनको पढ़ के मैं बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ. तो जैसे ये जो लोग आज नए हैं मेरे चैनल पे, उनको बता दूँ कि मैंने अपना 18 kg weight lose किया है without any gymming, without any exercise, without any diet. सिर्फ और सिर्फ 32 बार के साथ. तो आज उसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक नाइट ड्रिंक की रेसिपी जी हाँ. और ये बहुत ही ज़्यादा मैजिकल है. इसको पीने के बाद सोते सोते आपका वजन कम होगा, अराउंड योर टमी आपके इंचेस जाएंगे, आपका फैट लॉस होगा. ठीक है, तो बहुत ही इफेक्टिव सी ये ड्रिंक है, नाइट ड्रिंक जो मैं आपको बताने वाली हूँ. और इसके लिए जो इन्ग्रीडियंट्स चाहिए वो सब आपके घर पर मिलेंगे. कुछ भी नहीं करना है, बस इसको रात में बनाना है. खाना खाने के 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद जब आप बेड पे जा रहे हो सोने, तब आपको ये पीनी है. इसको पीने से क्या होगा, इसको पीने से आपका मेटाबॉलिज्म हाई होगा, मतलब बढ़ेगा, जिससे कि आप सोते सोते भी अपना वेट कम कर पाओगे. साथ ही साथ ये आपके टमी एरिया पे, आपके इंचेस पे बहुत अच्छे से वर्क करता है, मतलब इंच लॉस अच्छे से होता है, साथ ही साथ वेट लॉस तो होता ही होता है और आपको अच्छी नींद भी आती है. साथ ही साथ स्किन पे भी अच्छा सा असर करता है. जब आप अच्छे से सोते हो तो मॉर्निंग में आपको क्या नहीं होता, आपकी बॉडी पे जो वाटर रिटेंशन होता है, पानी चढ़ता है, फेस बड़ा सा हो जाता है, वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी. और वैसे तो मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी ड्रिंक्स आप लोग को बता रखी हैं, बट अभी समर स्टार्ट हो गया है तो अब हम फर्स्ट ये नाइट ड्रिंक लेकर आए हैं और उसके बाद मॉर्निंग ड्रिंक भी आपके साथ शेयर करूंगी. डिटॉक्स की वीडियोस भी आने वाली हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी. तो बने रहिए मेरे चैनल पे. और जो लोग नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, इट्स माई रिक्वेस्ट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जल्दी से देख लेते हैं इस ड्रिंक को बनाना कैसे है. तो फ्रेंड्स, इस मैजिकल सी ड्रिंक को बनाने के लिए, इस नाइट ड्रिंक को बनाने के लिए क्या चीज़ें लगने वाली हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होगा, वो मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ. और उसकी जो खूबियाँ हैं, जो स्पेशलिटी है उन इंग्रेडिएंट्स की, वो भी आपको बता दूंगी. ठीक है, तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स जो होगा वो बहुत ही सिंपल सा इंग्रेडिएंट है, आपके घर पे मिलेगा, आप सब्जी में डालते हो, रोज़ चाय में भी डालते हो उसको. ठीक है, तो मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ. फर्स्ट इंग्रेडिएंट हमारा ये है, ये छोटी सी चीज़. ठीक है, और ये पूरी यूज़ नहीं होती है, बिल्कुल थोड़ी सी चाहिए होगी हमें इस ड्रिंक को बनाने के लिए. तो ये है हमारी अदरक. ठीक है, सबके घर में मिलेगी, आपको दिखा देती हूँ. वैसे सबने ही देखी होगी ये अदरक है. तो अदरक क्या करती है, अदरक हमारे मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करती है. इसको बोलते हैं एंटी ओबेसिटी भी. ठीक है, अदरक को एंटी ओबेसिटी बोला जाता है क्योंकि ये मोटापे को कम करती है. ठीक है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारे टमी एरिया पे से फैट को ये कम करने का काम करती है. तो इसका हम मॉर्निंग में भी ड्रिंक ले सकते हैं और नाइट में भी ले सकते हैं, क्योंकि जब नाइट में लेते हैं तो सोते टाइम हमारा वेट लूज होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म हाई होता है, बॉडी के अंदर जो पार्ट है, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो जल्दी से खाने को डाइजेस्ट करते हैं और एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, फैट नहीं चढ़ता है. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट इन्ग्रीडियंट था. इससे क्या होता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म हाई होता है, हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है. जिन लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है उनकी डायबिटीज़ भी कम होती है. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट था इंग्रेडिएंट. और इसको पीने के लिए ना, जैसे कहते हैं कि हम लोग कभी कभी क्या होता है कि रात में थोड़ा सा आलसी हो जाते हैं, लथार्जिक हो जाते हैं, हम सोचते हैं कौन बनाए छोड़ो. बट हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि जब हम नाइट ड्रिंक पियेंगे, मॉर्निंग ड्रिंक पियेंगे, अच्छे से 32 बार करेंगे, तो हम किसी भी ड्रेस में फिट हो जाएंगे आगे जाके. और हमारी मतलब जो लाइफ है वो भी हेल्दी रहेगी, मतलब हमारी बॉडी अगर फिट है, हम ओबेसिटी का शिकार नहीं है, तो हमारी क्या लाइफ बढ़ती भी है, हमें कोई बीमारियाँ नहीं होती, हम हमेशा जवान रहते हैं और फिट दिखाई देते हैं. ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं सेकेंड इन्ग्रीडियंट पर. तो सेकेंड इन्ग्रीडियंट जो हमारा है वो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ. ये पाउडर है एक, और ये है दालचीनी का पाउडर. ठीक है, देखिए
ये दालचीनी का पाउडर है, ये बॉटल में लाई थी और ये मेरी ख़त्म होने वाली है, थोड़ी सी बची है। मैं काफ़ी सारे ड्रिंक्स में इसको ऐड करती हूँ। आप घर पे भी दालचीनी को पीस के बना सकते हो, या मार्केट से ला सकते हो, या फिर दालचीनी को बाहर से भी पिसवा के ले सकते हो, ठीक है। दालचीनी की लकड़ी भी आप ऐड कर सकते हो, बट पाउडर ज़्यादा इफेक्टिव होता है, अच्छे से मिक्स हो जाता है, क्योंकि उतना आप सोक नहीं कर पाते पानी में दालचीनी को। तो इस तरह से अगर यूज़ करते हो तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है। तो ये भी आप कह सकते हो, दालचीनी बहुत गुणों से भरपूर है, वेट लॉस के लिए तो काफ़ी अच्छा है। साथ ही साथ जिनको मतलब कहते हैं ना कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है, उनको भी कोलेस्ट्रॉल भी कम करती है ये आपका, और काफ़ी अच्छी है, मेटाबॉलिज्म को भी हाई करती है, आपके वेट लॉस में काफ़ी अच्छी है। तो चलिए देख लेते हैं थर्ड इंग्रेडिएंट क्या है। तो फ्रेंड्स आप बताइए ये कौन का सा इंग्रेडिएंट है, ये क्या है, क्योंकि ये हमारे घरों में पाया जाता है, सबके घरों में मिल जाएगा आपको, सारी सब्जियों में डलता है। तो जी हाँ, सही पहचाने, ये है हल्दी, ठीक है। ये हल्दी पाउडर है, आप चाहो तो कच्ची हल्दी भी ले सकते हो, सर्दियों में तो अवेलेबल होती है, अब गर्मियां स्टार्ट हो गई है, मिलेगी कि नहीं मिलेगी नहीं पता, बट जो आप घर में यूज़ करते हो ना हल्दी पाउडर, वो भी आराम से यूज़ कर सकते हो इस ड्रिंक के लिए, इस ड्रिंक को बनाने के लिए। तो पिंच ऑफ हल्दी भी हमें चाहिए होगा, टर्मरिक, टर्मरिक आप जानते हो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, साथ ही साथ ये क्या करती है कि आपको आपको कहीं वॉन्ड हो, कहीं कट हो, अंदरूनी कोई दिक्कत हो, तो ये सारी चीज़ों को हील करती है, और एंटीसेप्टिक तो है ही ये। तो चलिए इन तीनों चीज़ों के साथ एक चीज़ की और ज़रूरत है, वो मैं आपको किचन में चल के बताती हूँ। तो वीडियो को फुल वॉच करें, फिर बताऊँगी कैसे पीना है, क्या क्या करना है इसके साथ, क्या नहीं करना है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए बना लेते हैं इस ड्रिंक को। तो इस ड्रिंक को बनाने के लिए मैंने लिया है पैन में पानी, आप 1 ग्लास ऑफ वाटर ले सकते हो, बट ये ध्यान रखिएगा ये पानी हमें हाफ़ करना है, मतलब इसको बॉइलिंग प्रोसेस पे ये हाफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अदरक को कूट लिया है, क्रश कर लिया है, उसके बाद 1 चम्मच है अदरक, और इसको हमने पानी में अच्छे से मिला दिया है। इसको अच्छे से पानी में सोक होने देंगे और साथ ही साथ बॉईल होने देंगे, जिससे कि इसका सारा गुडनेस, इसकी सारी अरक इन्फ्यूज़्ड हो जाए पानी में, ठीक है। तो बॉईल करना है अच्छे से पहले इसको, और उसके बाद इसमें अदर इन्ग्रीडियंट्स हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ये दालचीनी ली है मैंने, और दालचीनी पिंच ऑफ है, पिंच ऑफ से ज़्यादा है थोड़ी सी, उसको हमने ऐड किया है, अच्छे से मिला लेंगे और उसको भी स्पून से, और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे अपनी हल्दी और इसको भी बॉईल करेंगे। बॉइलिंग प्रोसेस हो जाएगा अब कंप्लीट, उसके बाद इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे एक मग में, साथ ही साथ इसमें 1/2 लेमन ऐड करेंगे। मैं लेमन से एलर्जिक है, मुझे ज़ुकाम हो जाता है लेमन और गला ख़राब हो जाता है, तो इसलिए मैं लेमन ऐड नहीं कर रही। तो फ्रेंड्स हमारी ड्रिंक हो गई है रेडी। तो जैसे आपने देख लिया था कि मैंने जब पानी बॉइलिंग के लिए रखा था तो अराउंड पानी जो था वो 300 ml था, बट बनते बनते ये 150 ml ही रह गई है। तो इसी हिसाब से बनाना है कि पानी में सारी चीज़ें अच्छे से बॉईल हो जाएं, और आपको 150 या 100 ml ही इसका पीना है रात में। रात में कब पीना है, जब बिल्कुल बेड पर जाने लगो तब, ठीक है। पीने के बाद कुछ पी तो सकते हो पानी, बट खाना वाना कुछ भी नहीं है, इसको पी के सो जाना है। इसको पीने से आपको नींद भी काफ़ी अच्छी आएगी और आपका डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव होगा, टमी फैट जाएगा, इंचेस जाएंगे, साथ ही साथ स्किन भी अच्छी होगी क्योंकि हल्दी है इसमें, ठीक है। तो बहुत ही आराम की नींद चाहते हो तो इसको बनाओ, इसको पियो, सोते सोते पतले हो, ठीक है। तो मैं भी पीती हूँ डेली, तो अब मैं जा रही हूँ पीने, उसके बाद मैं सो जाऊँगी क्योंकि हो रहा है नाइट का टाइम। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।